फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला है भाट टेक्स्ट का। ये पता है आपको, किस लिए होता है भाट टेक्स्ट? ये कुछ लैंग्वेज का कन्वर्ट करता है सर, कुछ हाँ, ये करता है नंबर टू वर्ड कन्वर्जन। एक्सेल में ऐसा नंबर टू वर्ड कन्वर्जन के लिए, पर ये करता है अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट, काम का नहीं, बट थाईलैंड में होते तो काम का होता, क्योंकि ये वहाँ की करेंसी, वहाँ की लैंग्वेज है। थाई लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके देता है ये। अगर आपको पता करना हो कि ये वाकई में कौन सी लैंग्वेज है, तो कॉपी करके इसको सीधा गूगल ट्रांसलेट में चले जाइए। यहाँ से ये ट्रांसलेट आता है, बेसिकली ये क्या करता है, नंबर टू वर्ड कन्वर्जन करता है, 1233 नंबर टू वर्ड कन्वर्जन है थाई लैंग्वेज में। इसका कोई यूज नहीं, नेक्स्ट है कैर। कैर और कोड दो हमारे पास फॉर्मूले हैं। आस्काई कोड के बारे में आपको पता है? आस्काई कोड आस्काई टेबल एक होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड की कोडिंग टेबल है, ठीक है जी। जैसे कंप्यूटर किस चीज को कैसे समझे, उसके लिए कुछ कोड्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये आगे कोड्स लिखे हुए, उसके करेक्टर आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये रेड में, ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसे देखेंगे ए जो है 65 नंबर पे ए आता है, ठीक है जी। तो कैरेक्टर कोड जो है इसका 65 है, इसी तरह स्मॉल ए के लिए 97। प्रोग्रामिंग में इसका ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है ये अल्फाबेटिकली नहीं जानता, ओनली नंबर बाइनरी कोड लेता है। जानता तो बाइनरी कोड की तरह बीच का है, प्योरली बाइनरी नहीं है, ये बीच में यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिकोड है। तो कैर क्या करता है, यूनी नंबर को बदल के देता है। जैसे आप कोड करेंगे, कोड में किसी टेक्स्ट को डालेंगे तो आपको उसका एक कैर कैरेक्टर कोड दे देगा, और कैर वाला उस कोड कैर वाला उस कोड कोड को कैरेक्टर बता देगा, ये कौन सा हाँ कोड को कैरेक्टर में बना देगा। इसका एक यूज मैंने किया था, जब फंस जाते हैं तो इसका यूज करते हैं। किसी लड़के ने मेरे से कहा था कि जैसे हम ए बी सी डी है, उसको ड्रैग कैसे करेंगे, ए बी के बाद जो अगर मैं इसको ड्रैग करने लगूँ तो ए बी सी डी आना चाहिए, वो कैसे आएगा। मैंने बताया उसमें या तो आप कस्टम लिस्ट यूज कर सकते हैं पूरे के पूरे ए बी सी डी देके, अदरवाइज ये कैर कोड का कॉन्सेप्ट है। ए लिख दिया, देन हमने क्या किया, कैर इसमें क्या करा, कोड इसमें और प्लस वन कर दिया इसमें, ठीक है जी। कैरेक्टर के अंदर ही कोड डाल दिया। अब मैं इसको ड्रैग करता जाऊंगा इस फॉर्मूले को, ड्रैगिंग ठीक है जी। कैर कोड के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। देन क्लीन का फॉर्मूला है हमारे, क्लीन का फॉर्मूला क्या करता है कि कई बार हम ईआरपी वगैरह से लिस्ट निकालते हैं या रिपोर्ट निकालते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम करके निकालते हैं कई जगह, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो बेसिक की है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए की है या कोई भी कैरेक्टर है ये लिखा हुआ, इसके आगे पीछे या तो ब्लैंक स्पेसेस आ जाते हैं या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स अगर आप इसकी लेंथ चेक करेंगे, एलई का फॉर्मूला होता है लेंथ चेक करने, यहाँ 5 दिखा रहा है जबकि है 4, तो इसके लिए यहाँ यूज करते हैं हम लोग क्लीन। हर बार सक्सेस नहीं होता ये, तो कुछ केसेस में हो जाता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को क्लीन करने के लिए होता है। आप देखेंगे इसको तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। देन आपके पास कैटिनेट का फॉर्मूला आपको पता है,
कॉन्केटिनेट के लिए हम मैंने एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बताया था कि एंड का साइन लगा के म्यूचुअल डिफरेंस करेंगे तो कॉन्केटिनेट कर देगा। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्केटिनेट के लिए, टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू एंड सो ऑन, हम उसमें कॉमा देते हैं जितने भी वो है दे सकते हैं। ठीक है, बीच में अगर स्पेस देना है, अगर इसमें स्पेस देना है तो कॉम इन बिटवीन ऑफ कॉमा हम देंगे, व्हाट इज कॉमा में स्पेस दे दिए, ब्रैकेट से यूज करते हैं। देन डॉलर एस्टीमेट, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे कि अभी आपने ये संदीप सिंह लिखा हुआ है, इसमें गैप नहीं है और हम उसमें जो स्पेस देना भूल गए हैं, हाँ, तो उसके बीच में हम स्पेस कैसे ला पाएंगे फिर? अगर ये सिंगल सेल में लिखा हुआ है, हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको जज करेंगे, कंप्यूटर को क्या पता कि कहाँ है, या वो नाम तो जानता नहीं, या तो एक कॉलम में नाम लिखा हो तो पॉसिबल है, नंबर फॉर्मेटिंग से मिलते जुलते फॉर्मूले, कोई भी नंबर लिखा हुआ है आपका तो जब ये डॉलर लगा देना, इनका भी यूज हम नहीं करते, नंबर एक ले लिए हमने, एंड डेसिमल आपको कितने चाहिए, दो डेसिमल तक चाहिए, तीन डेसिमल तक चाहिए, ये उस फॉर्मेट में आपको करके सीखेगा डॉलर का करेंसी क्या है। नंबर फॉर्मेट में दे देता आपको, यहाँ से नंबर चूज किया, डेसिमल कितने चाहिए, कॉमा चाहिए या नहीं चाहिए, नो कॉम्प्लिकेशन करेंगे तो नहीं देखा। यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला चेक करना हो तो मैंने बताया एफएक्स का बटन है, इसमें देख लेंगे इसमें क्या एंट्री लेते हैं, यहाँ से तो ये क्या है, अच्छा ठोक की स्पेलिंग गलत हो गई, तो अभी नो कॉमा के लिए मैंने ट्रू कर दिया तो मतलब कॉमा नहीं दिखा रहा, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो एंड डॉलर। यानी आपके पास है, आप जैसे कि कोई चीज मैच करनी है, ठीक है, अगर मैं इसको चेक करने के लिए कि ये इसके इक्वल टू है कि नहीं, नॉर्मल इक्वल टू यूज करता हूँ, ठीक है, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दिखा देता है। अब ये बता रहा है यस इट इज इक्वल टू, बट अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि केस सेंसिटिव भी हो, एग्जैक्ट का फॉर्मूला, ठीक है, टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट, अब ये फॉल्स दिखा रहा है, अगर मैं इसका पहला लेटर कैपिटल कर दूं तभी ये ट्रू दिखाया, ठीक है, तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला जो है केस सेंसिटिव है मैचिंग के लिए, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसी को दिखाएगा, अदरवाइज मैचिंग होगी, केस सेंसिटिव होता है, ये पूरा केस मिलना चाहिए इसको। बाकी अब देखिए जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए गलती से मेरे पास स्पेस लग गया आगे पीछे, हमारे पास ट्रिम का फॉर्मूला होता है, तो मैं लेंथ चेक कर लेता हूँ, लेंथ कितनी है इसकी, 9 दिखा रहा है, तो मैं ट्रिम का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो क्या करता है आगे पीछे जो स्पेस लग जाते हैं ना, जैसे वैसे ही आ गया उनको लेंथ वापस चेक कर लेता हूँ, 7 हो गया, ठीक है, ट्रिम का फॉर्मूला जो आपके वैसे कैरेक्टर होते हैं उनको हटाने के लिए। देन आपके पास यहाँ पे कुछ केस सेंसिटिव केस कन्वर्जन से रिगार्डिंग कोई फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको अपर केस में चाहिए तो अपर का फॉर्मूला है,
करके अपर में बदल दिया। लोअर में करना है तो लोअर का फॉर्मूला है, लोअर केस में करना है, प्रॉपर केस में करना है जो हमारा सेंटेंस केस होता है या टाइटल केस होता है, टाइटल केस जो होता है उसमें तो प्रॉपर का फॉर्मूला, तो अपर लोअर और प्रॉपर के फॉर्मूले हैं जो हम कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, केस कन्वर्जन के लिए, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, प्रॉपर। देन हम कंडीशनल, हमने कस्टम फॉर्मेटिंग वगैरह पढ़े थे, उसमें एक फॉर्मूले का यूज है कि सारी की सारी जो कस्टम फॉर्मेटिंग है वो डिपेंड करती है कि आपकी वैल्यू को चेंज नहीं करती है, रियलिटी नहीं चेंज करती, खाली विजिबिलिटी को चेंज करती है। अगर आपको रियलिटी चेंज करनी हो किसी भी नंबर की, किसी भी फॉर्मेट की, तो आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और पर्टिकुलर वही चीज आपको दिखाएगा। इसमें जो कस्टम फॉर्मेटिंग होती है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में देना पड़ता है। तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ इसमें, हैश डॉट जीरो जीरो, ये फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ, तो ये आपका उसी नंबर फॉर्मेट में दे रहा है। जैसे मैं डेट के लिए भी यूज करता हूँ, जैसे मैंने कुछ डेट डाली है, यहाँ टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो डेट के फॉर्मेट में यूज कर सकता हूँ अपने डीडी एमएमएम वाईवाई, तो उस हिसाब से रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो ये ध्यान रखिए टेक्स्ट का फॉर्मूला जो कुछ भी रिटर्न कर रहा है वो टेक्स्ट में, मान लीजिए आपने नंबर ही रिटर्न किया है, तो कई बार जब आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हो सकता है सर वैसे तो ले लेगा, पर हो सकता है कई बार कि ना ले, कई बार गड़बड़ करता है। तो अगर ऐसा कोई गड़बड़ कर रहा है तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम वैल्यू, क्योंकि टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये टेक्स्ट देखते हैं इसे कर रहा है कैलकुलेशन, तो कई बार अगर ना करे तो वैल्यू का फॉर्मूला उसको यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास दो फॉर्मूले और होते हैं, जैसे तो आपको जब इसमें से क्या करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, नंबर सेलेक्ट करना है, फॉर्मूला क्या करेगा, जहाँ नंबर है वहाँ आपको कुछ नहीं देगा, जहाँ टेक्स्ट है वहाँ टेक्स्ट पूरा निकाल देगा। इसी तरह ही नंबर चाहिए तो एन का फॉर्मूला सिर्फ है, ये दे देंगे नंबर दे देंगे और जब ड्रैग करेंगे तो खाली नंबर, तो जहाँ टेक्स्ट है वहाँ जीरो देता है, ठीक है। अगर आपको जीरो नहीं चाहिए, उसकी जगह ब्लैंक चाहिए, तो इसको इफ के फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं कि इफ अगर ये इक्वल टू जीरो है तो क्या करें, ब्लैंक दे दें, डबल इन्वर्टेड कॉमास दे देंगे बीच में कुछ नहीं, तो मतलब ब्लैंक्स हो जाता, देन वही फॉर्मूला कर दें। तो आप जैसे करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। देन अब चलते हैं थोड़ा से टेक्स्ट के अलग टाइप के फंक्शंस पे। एक क्वेरी है हमारे पास, यहाँ पे मैंने नेम लिखे, मुझे अलग करने हैं फर्स्ट नेम, लास्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीन पैरामीटर्स हैं ये मुझे अलग अलग करने हैं। मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ये तीन नाम लिखे,
तो इसमें अब मुझे अलग करने हैं ये नाम, फर्स्ट नेम यहाँ डालना है, मिडिल नेम यहाँ देना है, लास्ट नेम यहाँ डालना। फर्स्ट नेम के लिए हमें वैल्यू लेफ्ट से अलग करनी है, तो लेफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है जी। लेफ्ट में आप टेक्स्ट लेंगे, देन यहाँ आपको देना होता है नंबर कैरेक्टर्स, मतलब कितने कैरेक्टर्स चाहिए, इसमें से कितने कैरेक्टर लेफ्ट से चाहिए। ये देख रहे हैं कि यहाँ सात सात कैरेक्टर्स का नाम है, तो सात सेवन दे देंगे या इसमें दे दिए। देन आपका लास्ट नेम जो है उसमें क्या चाहिए, मैं राइट से चाहिए, तो मेरे पास राइट का फॉर्मूला, ये टेक्स्ट और उसी तरह ही कितने कैरेक्टर देंगे, तो यहाँ पांच कैरेक्टर है, पांच दे दिए मैंने, ठीक है जी। और मिडल में, मिडल में क्या करना है, मिडल में मेरे लिए मिड का फॉर्मूला, मिड का फॉर्मूला थोड़ा सा स्मार्ट पड़ता है, वो लेफ्ट से निकाला और राइट से निकाला। इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम कहाँ से निकालना चाहते हैं और कितने करेक्टर निकालना चाहते हैं। तो स्टार्ट नंबर देता है, मतलब स्टार्ट नंबर, ये जैसे S1 हो गया, A2, N3, यहाँ से गिनना शुरू कीजिए, तो सात नाम के हो गए, स्पेस जो हो गया वो भी एक हो गया आठ, तो नौ से स्टार्ट है, नौ से स्टार्ट है। देन कितने करेक्टर चाहिए, तो यहाँ कुमार जो है पाँच का, तो पांच दे दिए, ये आ गया आपका। बट आप देखेंगे कि ये मैंने आपको लेफ्ट राइट और मिड के तीन फॉर्मूले बताए हैं, जो आप अगर आप फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक डिसाइड करें, ठीक है जी। तो यहाँ बाकी सब में तो रिजल्ट दे नहीं रहा, गड़बड़ दे रहा, तो इसको थोड़ा सा ऑटोमेट करना पड़ेगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फर्स्ट नेम है कौन सा लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम तब डिसाइड करेंगे कि हमारे फर्स्ट नेम के बाद स्पेस आए, तो और यहाँ पे सेकेंड नेम के बाद भी स्पेस आ रहा है, तो इसके अंदर दो स्पेस है, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि ये ना फर्स्ट नेम है कि लास्ट नेम। तो एक हमें चाहिए फर्स्ट नेम, फर्स्ट स्पेस, देन दूसरा चाहिए हमें सेकेंड स्पेस, कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस को फाइंड करेंगे स्ट्रिंग के। फाइंड के लिए हम दो चीज यूज करते हैं, चाहे तो हम फाइंड का फॉर्मूला यूज करें, ठीक है जी। फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना, मैंने देखिए विद इन टेक्स्ट किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है जी। अब ये जो दूसरा है वो ऑप्शनल है कि स्टार्टिंग पोजीशन, हमने कहा अच्छा पहले से ही स्टार्ट करो, ठीक है, मतलब पहले करेक्टर से स्टार्ट करो जहाँ स्पेस है बताओ, जैसे बोला आठवीं पोजीशन पे स्पेस है। अब सेकंड स्पेस के लिए भी इसी का यूज कर सकते हैं, फाइंड का फॉर्मूला, फाइंड टेक्स्ट क्या, स्पेस कोमा विद इन टेक्स्ट ये, हाँ यहाँ पे स्टार्ट नंबर हम यहाँ पे यूज करेंगे सेकेंड स्पेस फाइंड करने के लिए। कैसे ऑटोमेट करेंगे, हम कहेंगे कि जहाँ पहला स्पेस था उसके एक करेक्टर आगे से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर मैं वही पोजीशन देता हूँ तो ये वही रिजल्ट भी देगा, क्योंकि उसे पहली बार में मिल जाएगा स्पेस। तो मतलब आठ एक नौ कैसे ढूंढना शुरू किया और आगे ये ढूंढ लेगा अपने आप कि जहाँ स्पेस है वो रिटर्न कर दिया, तो सेकेंड स्पेस मिल गया। दूसरा काम आएगा मेरे लेंथ, टोटल लेंथ कितनी, ठीक है। अब देखिए इसको ऑटोमेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट नेम में मुझे फर्स्ट स्पेस में क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने सेवन लिखा है, पहला स्पेस एट पे था, तो मैंने क्या करना है, इस सेवन को यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसका लिंक लेता हूँ माइनस वन कर देता हूँ, क्योंकि तो एक करेक्टर फालतू ही दिखा रहा है ना, वो स्पेस को ले रहा है एक्स्ट्रा में, तो फर्स्ट स्पेस माइनस वन मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, ये ठीक रहा। देन मिड इस पे चलते हैं, ये क्या है नंबर कैरेक्टर्स। अब इसमें क्या है कि राइट से कितने कैरेक्टर लेने, तो टोटल लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, ठीक है जी, टोटल लेंथ 19 हो गई माइनस सेकेंड स्पेस 5 हो गया, 19 में से 14 गए 5 हो गए, ये ले गया सेकेंड लास्ट नेम भी ले गया। अब मिडल पे चलते हैं, मिडल में चाहिए थी स्टार्टिंग पोजीशन, तो 9 दिए, यानी पहले स्पेस के बाद 1 प्लस, तो फर्स्ट यहां से लेंगे हम
इसमें इसको डिलीट किया, पहला स्पेस प्लस वन, ठीक है जी, स्टार्टिंग पोजीशन। देन उसे कितने कैरेक्टर लेने हैं कैसे डिसाइड करेगा, तो सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, आठ में से चौदह में से आठ गए तो छह बचे, ठीक है जी, है नाम पांच का, तो एक माइनस और करना है, तो क्या लगेगा हमारा, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस वन, ठीक है जी, तीनों नाम ऑटोमेट हो गए। अब जो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, हाँ रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इनको नहीं ड्रैग किया, ठीक है जी, तीन कंडीशन में आपका ये नाम चल गया। अगर आप किसी नाम को चेंज भी करते हैं तो ये सही चलेगा। अब फाइंड में एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे हम फाइंड का फंक्शन यहाँ यूज कर रहे थे, तो फाइंड में की तरह ही एक और फंक्शन होता है हमारे पास सर्च का, बट सर्च का फंक्शन क्या करता है, केस सेंसिटिव होता है, जैसे आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ, जैसे मैं फाइंड में क्या करता हूँ, कैपिटल ए करता हूँ और मैं लिंक दे देता हूँ कि किसके अंदर फाइंड करो, तो मुझे एरर दिखा रहा है, और इसी जगह अगर मैं सर्च का यूज करता हूँ, सेम पैरामीटर ये लेते हैं, याद कर लें विद इन टेक्स्ट, ये बता रहा है, तो हमने देखा कि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है, सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है जी, फाइंड सर्च आपके यूसेज के ऊपर क्या कर रहे उस हिसाब से यूज कर सकते हैं इसको। देन और देखते हैं थोड़ा सा, अभी ये पूरी तरह से मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि नाम जो होता है अब मैं इसमें करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे एरर देगा, क्यों, क्योंकि सेकंड स्पेस तो मिल नहीं रहा है इसे, मैंने सेकंड स्पेस का जिक्र कर रखा, ठीक है जी, तो इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे, पहला वाला आ रहा है ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक ठाक आ रहा है तो उसको नहीं छेड़, हम क्या करेंगे इसके अंदर एरर आई है, इफ एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं, इफ एरर, एरर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमें सीधा सीधा फॉर्मूला है, लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, ठीक है जी, तो मिड के अंदर क्या करेंगे, मिड की जरूरत ही नहीं, राइट की, राइट से काम चल जाएगा, राइट का तो टेक्स्ट और फिर लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस, यहाँ फर्स्ट स्पेस दे दिया मैंने, ये आ गया, और यहाँ पे क्या करना है, एरर तो यहाँ पे भी आ गई, तो यहाँ कर क्या कर देना, जब यहाँ एरर आए तो यहाँ पे हमें ब्लैंक दिखा दे, ये वाला काम हो गया, बट क्या होता है कहीं कहीं फर्स्ट नेम ही देते, ठीक है जी, तो फर्स्ट नेम में जहां एरर आ जाए वहां क्या करना है, अगर यहाँ एरर आ रही है तो फर्स्ट नेम एक ही नाम है, इफ एरर, यहाँ पे हमें सीधे लिंक देना है, अगर कोई एरर आए तो यहाँ उसी पर दिखा दे, यहाँ पे एरर आती है तो एक और इफ एरर यूज कर देंगे और वैल्यू में दे देंगे ब्लैंक, ठीक है, तो ये भी आपका ठीक हो गया, ठीक है। और क्या हो सकती है, इस फॉर्मूले को जब हम ट्रैक करें तो फर्दर यहाँ जीरो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, एक इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, अगर ये जो है इक्वल टू जीरो है
तो क्या करें, ब्लैंक दे दें, अदरवाइज ये फॉर्मूला कंटिन्यू कर, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कर दिया, तो हमारे तीनों फॉर्मूले बढ़िया से चल गए। इसी को रिवर्स ट्रैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर कुछ भी डालें, यहाँ पे ओके, देखिए गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जो मैंने मिडल नेम में लिया है, मेरे को लास्ट नेम में लेने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं जरा उधर लगाऊंगा राइट का, और यहाँ के इफ एरर के लिए मैंने क्या करना है, अगर यहाँ एरर आती है तो मुझे ये फॉर्मूला यहाँ से कंटिन्यू करना। जंप लाइन की जगह पे मैंने यहाँ कंटिन्यू, और यहाँ अगर एरर आती है तो मुझे यहाँ ब्लैंक कर देना। यहाँ से एक एरर कम कर देना, ठीक है। इसको डाउन करते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पे एक और एरर आ गई, इसका मतलब एक और एक एरर यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे कर देते हैं इसे ब्लैक। तो ये जो मेरा है ये परफेक्ट फॉर्मेट है। अब देखेंगे आप उसका ये ऐप सही काम कर रहा है। ये आप यूज कर सकते हैं। अब हमने बाकी सारे फॉर्मूले यूज कर दिए, तो मेरे को इन सब की तो जरूरत नहीं है, एक ही मैं फॉर्मूला, इन सब में तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, मैं इसको इसमें बिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे किस तरह से करेंगे, यहाँ i3 में है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ स्पेस से पैसे, और यहाँ हो गया। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ करूंगा, फाइंड रिप्लेस में जाऊंगा, जहाँ i3 यूज हो रखा होगा वहां मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। कुछ कर पा रहे रिप्लेस विद, ओके मैं उल्टा करता हूँ, i3 रिप्लेस हो गया, ऊपर का फॉर्मूला हो गया करेक्ट। देन मैंने क्या करना, आप भी देखेंगे i3 सारा रिप्लेस हो चुका। देन मैंने क्या करना है, सेकंड स्पेस को रिप्लेस करना है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड स्पेस जो है मेरा j3 है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ सेकंड स्पेस में, तो इसमें मैं लिंक उठा रहा हूँ इसका, खैर अब वो भी रिप्लेस हो चुका है तो उसकी जरूरत नहीं, मेरा फॉर्मूला बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका लिंक लिया था, वो भी रिप्लेस हो चुका है। रिप्लेस ऑल करते मैं फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर सकता डायरेक्ट, और अगर मैं सिलेक्ट करके करता हूँ तो स्पेसिफिक एरिया पे ही होता है। मैं फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, किस जगह मैंने करना है इसको, जहाँ मैं j3 यूज कर रहा हूँ, k3 में जहां जहां यूज हुआ था वो हो गया। देन लेंथ का फॉर्मूला k3 इक्वल टू से पहले तो जहां k3 यूज हुआ
वहाँ मैंने ये कर दिया। तो आपका देखते हैं पूरे बड़े बड़े फॉर्मूले आपके तैयार हो चुके हैं, ठीक है यहाँ देखेंगे। तो इन सब की अब मुझे जरूरत है, खाली मैंने यहाँ तक किया था, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये यूनिक फॉर्मूले हैं इस चीज के लिए, यहाँ तक क्लियर होगा आपको, बाकी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, टेक्स्ट सेव कर देते हैं, देन इसमें बचे हुए फॉर्मूले देख लेते हैं। हमारे पास सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या करता है बेसिकली, कौन कौन से सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस, ये दोनों एक जैसे फॉर्मूले हैं। तो पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला क्या करता है। सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले में आप देते हैं आपका टेक्स्ट क्या था, मतलब ये रिप्लेसमेंट के लिए होता है। मैंने कहा कि इसमें जितने ए हैं उसको ओल्ड टेक्स्ट, यहाँ देख रहे हैं कि टेक्स्ट पहले मांगता फिर ओल्ड टेक्स्ट। तो पहले क्या टेक्स्ट था पूरा ये रहा ओल्ड टेक्स्ट, मतलब वो क्या है वहां पे, मैंने कहा ए है, उसको किससे बदलना है वो मैं दूंगा। मैंने कहा ए को ओ से बदलना है, ठीक है जी, ए को वो ओ से रिप्लेस करेगी। बाकी ये ऑप्शनल है, इसका मैं बताता हूँ आपको क्या यूज है। तो पहले देख रहे हैं हम ए को इसने ओ से बदल दिया, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ ए को नहीं ई को बदलो ओ से, ठीक है, ई को इसने ओ से बदल दिया। इंस्टेंस नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो अगला पैरामीटर है ये कहता है कि कौन सा इंस्टेंस है, मतलब जैसे ई इसमें दो बार आया तो पहला वाला ई बदलना है, दूसरा वाला ई बदलना है, तीसरा वाला बदलना है, तो उसका नंबर देना है इंडेक्स। यहाँ पे कोई उसकी पोजिशन नंबर नहीं देना है, कितनी बार जो आया है उस बार का नंबर देना है। जैसे मैंने कहा कि दूसरा वाला सेकंड वन, तो ये सेकंड वन को यहाँ से चेंज कर रहा है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डाल देता हूँ तो पहले वाले को चेंज करेगा, ठीक है जी। अब रिप्लेस में देखते हैं, रिप्लेस भी सेम चीज है, बस इसमें था कि आपको कैरेक्टर से कैरेक्टर रिप्लेस करना था ओल्ड टेक्स्ट। अब इसमें ये पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर कहाँ से लेना है, जैसे मैंने कहा कि ए लेना है तो ये दूसरे नंबर पे, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर की पोजीशन मैटर करती है, जैसे एस वन ए टू एन थ्री इस तरह से। तो स्टार्ट नंबर कह देता हूँ सेकेंड से स्टार्ट करो, ठीक है। देन पूछ रहा है कि कितने कैरेक्टर लू चेंज करने हैं। अगर मुझे ए एन को रिप्लेस करा के कोई एक कैरेक्टर डालना है कि ए एन को रिप्लेस करा के ई डालना है, तो यहाँ से दो कैरेक्टर लूंगा, ठीक है जी। देन मैंने कहा ई डालना है तो यहाँ देखूंगा, तो इसने ए एन हटा के ई डाल दिया। इस तरह से ये वर्क करता है। मैं कहता हूँ मैं एक ही कैरेक्टर हटाना है तो एक कैरेक्टर दे दिया, तो इसने पहले वाले ए को ही हटा के यहाँ पे ई डाल दिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में यही फर्क है। धन बाकी देखते हैं कोई और बचा हो तो, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कवर है। एक बचा है आपका आरईपीटी का फंक्शन, आरईपीटी का फंक्शन कहाँ यूज करते हैं, REPT। अब इसमें आपको कुछ टेक्स्ट देना है, जैसे मैंने दे दिया स्टार, कितनी बार रिपीट होना चाहिए वो यहाँ से दे दिया। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो जितनी बार टेक्स्ट आप देंगे कितनी बार रिपीट होता है
तो यहाँ से रेफरेंस दे सकते हैं, उतनी बार रिपीट हो जाएगा। हाँ यूज करूंगा मैं, तो इसका यूज मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पहले तो 2007 तक तो इसका यूज होता था, उसके बाद हमें लगभग जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ है, मैं इसमें कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ। कैरेक्टर में मैं ले लेता हूँ पाइप, एक कैरेक्टर होता हमारे कीबोर्ड पे पाइप का, ठीक है, पाइप को ले लेता हूँ। इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। इसका चार्ट बनाने में यूज होता है, बेसिकली सेल चार्ट अगर आपको बनाना हो तो। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लू में कर देता हूँ, और ये अभी चार्ट जैसा लग तो नहीं ना। तो इसके लिए हमें एक फॉन्ट यूज करना होता है, वो है मेरे ख्याल से बुकमैन ओल्ड स्टाइल, बुकमैन ये देखते हैं यहाँ पर तब तबे होता है ऑलमोस्ट बुकमैन। हाँ ये रहा ब्रिटैनिक गोल्ड, ब्रिटैनिक गोल्ड फोर्ट यूज करते हैं इसके लिए। और जो फिर देखो लेकिन यहाँ नंबर चेंज हो रहे हैं, ये आपका चार्ट की तरह भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि स्पेस ज्यादा ले रहा है, एक रेशियो में ले लीजिए, डिवाइड बाय 10 कर दिया। हाँ अंदर ही यहाँ से मैं वैल्यू ले रहा हूँ, डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये 10 गुना छोटा हो जाएगा। 10 से डिवाइड करने से क्या हुआ सर, 10 से डिवाइड कर दिया, अब 9 हो गया वो। 10 से देखिए जैसे 54 था, उसका क्या हो गया 5.4, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, 5 बार रिपीटेशन करी, ठीक है जी। मैंने बेसिकली साइज कम किया, अब देखेंगे कि यहाँ पे साइज कम किया बेटा। हाँ यहाँ पे इसका साइज बड़ा आ रहा था ना, तो अब वैल्यू ज्यादा है तो उतनी बार रिपीट कर रहा है कैरेक्टर, बेसिकली कैरेक्टर रिपीट कर रहा है ना ये चार्ट। तो और कोई तो नहीं जानता कि ये कैरेक्टर है, हम ही जानते हैं, तो हमें रिड्यूस करना भी आना चाहिए ना। तो जैसे ज्यादा छोटा नहीं करना, तो 2 से ही कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ का आधा हो गया चार्ट। अच्छा, स्पेसिंग कम करने के लिए अगर स्पेस ज्यादा है तो उसको कम कर देंगे। हाँ वैसे आप यूज कर सकते हैं इसको, पहले डैशबोर्ड्स में इन्हीं चार्ट्स को यूज किया जाता है। और एक खास बात बताऊं, ये चार्ट जो है आपके विलुप्त से रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है जी। कैसे हो जाते हैं देखिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ और आपको एक डायनेमिक चार्ट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। एक लिस्ट ली मैंने, लिस्ट में लिंक ले लिया, ये लिस्ट बेसिकली मेरी एक ड्रॉप डाउन पे आ गई। डाटा वैलिडेशन का शॉर्टकट क्या होता है सर? डाटा वैलिडेशन का शॉर्टकट वो तो आपको शॉर्टकट तो मैंने बता ही रखा, वैसे मैं शॉर्टकट मारता नहीं इसमें, ऑल्ट ए वी वी ऑल्ट डी एल हां ऑल्ट डी एल और डी एल है। हाँ है, प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, आपका सही है, बेसिकली मैं ये दिखा रहा हूँ। वो देखिए शॉर्टकट में ऐसा होता है, जिस जिसकी जैसी प्रैक्टिस होती है उसे उतना याद रहता है ना। मैं भी अगर कुछ टाइम ये ना करूँ तो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। हालांकि ट्रेनिंग के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ता है, ज्यादा शॉर्टकट मारता हूँ लोग समझ नहीं पाते कहाँ कौन सा मार। डैशबोर्ड में अच्छा यूज होगा फिर। हाँ तो अब ये देखिए, आपने जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने वही फंक्शन लगा दिया इसी में, तो एक तरह से डायनेमिक टाइप का हो गया ना। जी जी बिल्कुल, इसी तरह से यूज करते हैं इसको। जो मैंने कोड का आपको बताया था ना, उसकी तरह मैं डबल चार्ट भी बना सकता हूँ। ये तो सिंगल चार्ट था,
मान लीजिए मुझे डबल चार्ट बना, मान लीजिए इसी का बनाना है, यहाँ पे दो मुझे दिखाने, कैसे दिखाऊं? कंकैटिनेशन का यूज करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा एंड कोड 10, कोड 10 किसके लिए यूज करना पता नहीं, कोड 10 हम यूज कर, कोड 10 उसका होता है जैसे ऑल्ट एंटर करते हैं ना एक ही सेल में दोबारा जाने के लिए, तो उसके लिए जो कोड है वो है 10। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूले में लेना है तो कैसे करूंगा, कोड का ही फॉर्मूला यूज करूंगा, या कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, 49 कहां से आ गया कोड में, 49 कहां से आ गया, तो इसको क्या करना है, बेसिकली रैप टेक्स्ट करना है, पकड़ के इसको रैप टेक्स्ट कर देना तभी ये एक्टिव होगा। कोड 10 कहां से है, ठीक है, अगर मुझे जानना हो मुझे किसी चीज का कोड, तो ऑल्ट कर, ऑल्ट एंटर मैंने यहाँ खाली किया, अब मैंने क्या करना है ये कोड का फॉर्मूला, अच्छा कैर 10 होगा, हाँ मैं इसे गलत दे रहा, कैन है ना, यहाँ कोड की जगह कैन कर दीजिए, बेसिकली मुझे कैरेक्टर चाहिए ना उसका, कैन, ठीक है, इसको मैंने कर दिया ट्राई। तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे दो दो चार्ट बन गए, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, अलाइनमेंट में जाते हैं, 90 डिग्री पे कर देते, ये बन गया, ये पर एक्चुअल तब दिखाएगा ये पूरा, अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो दो की जगह मैं कर देता हूँ इसको 10 से ही कर देता हूँ, आएगा ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये डिस्प्ले इसको इतना एरिया, अब ये हमारा चार्ट ओके आने लगा है, ठीक है, मैंने क्या किया बाद वाले को इधर में ले लिया, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो दो चार्ट तीन चार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, और इसी के फॉर्मेट को वहां पे जाके कॉपी कर देंगे दूसरी जगह, तो ये चार्ट आपका वी लुकअप से कॉल होने लगे, ठीक है, वी लुकअप का मतलब ये वाला इससे कॉल होने लगे, तो वैल्यू कॉल करवा दीजिए आप 5-7, और डायरेक्ट आप कह रहे हैं चार्ट, तो कोई आईडी देके उसका पूरा चार्ट उठवा सकते हैं, फॉर्मेट ये कर सकते हैं, ठीक है, तो ये था आपका टेक्स्ट का फॉर्मूला, आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा क्लियर होगा आपको, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, बाकी आपको मैथ वैथ के फॉर्मूले मैथ और क्रिएटेड टाइप एक साथ और, ठीक है, तो आज की एंड कर दें क्लास।